Good morning, dear students. Today we will read the poem Be I Am Expecting You from the page number 54 in your English textbook. Open the page number 54 and follow me. The name of the poem is Be I Am Expecting Expecting You. Children, you all know that Be means Madhumakki. And expecting means waiting for someone to come. किसी को आने का इंतजार करना. So in Hindi, be I am expecting you means be मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. Okay children. And in this poem, there are two insect characters are there. First one is fly and second one is bee. And let us read this poem about fly's letter to bee. Children, in this poem. Okay, this poem is about fly's letter to bee. Fly, अपना friend bee को letter लिखने के बारे में ये poem है. Understand, children? And let me explain you about the poem, children. In this poem, there are three stanzas are there. Okay, this is called one first stanza, and second stanza, and third stanza. एक-एक stanza में four lines रहते हैं, है ना? Four lines रहते हैं. And the name of the poet is Emily Dickinson. इस poem का writer का नाम क्या है? Poet का नाम EMILYDICKINSON. Emily Dickinson. She is Emily Dickinson. She is an American poet. Understand, children? Writer. And now come to the poem. First, we will read and recite the poem. Okay, children? Let us read. B, I am expecting you, was saying yesterday to somebody you know that you were due. The frogs got home last week, are settled and at work. Birds mostly back, the clover warm and thick. I will get my letter by, you will get my letter by the 17th, reply, or better, be with me, yours fly. Okay, children, this is the poem. And let me explain you the difficult words. The meaning of difficult words here. Expecting. Expecting means waiting for someone to come. किसी को आने का इंतजार करना. And yesterday. Yesterday means बीती हुई कल. And due means expected to be in a particular place and a particular time. Particular means special. Special place means special time में. किसी को आने का बारे में सोचना. अंडरस्टैंड. एंड settled. Settled means comfortable and happy with your home, job, etc. Okay? बहुत comfortable, बहुत सुविधा से, बहुत खुशी से अपने घर में या जॉब प्लेस में रहना. एंड clover, क्लोवर मीन्स अ स्मॉल प्लांट दैट हैज थ्री leaves ऑन ईच स्टेम. चिल्ड्रन, क्लोवर मीन्स एक छोटा सा प्लांट है, उसमें ऐसे थ्री लीव्स रहते हैं, उसको क्लोवर कहा जाता है. इस प्लांट में रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स. एंड नाउ लेट अस रीड द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी. बी आई एम एक्सपेक्टिंग यू वाज सेइंग यस्टरडे टू समबडी यू नो दैट यू वर ड्यू. बी, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ. कल कह रहा था कि कोई तुम्हें जानते हैं कि तुम ड्यू थे. ड्यू मीन्स दे थे. एंड द फ्रॉग्स गॉट होम लास्ट वीक आर सेटल्ड एंड एट वर्क. बर्ड्स मोस्टली बैक, द क्लोवर वॉर्म एंड थिक. फ्रॉग्स पिछले हफ्ते घर आ गए. वे बस गए हैं और काम पर हैं. ज्यादातर बर्ड्स वापस आ जाते. ओके, ज्यादातर बर्ड्स वापस आ जाते हैं. एंड द क्लोवर वॉर्म एंड थिक. द क्लोवर प्लांट बहुत थिक है, बहुत बुशी है, ब्यूटीफुल है. एंड द मौसम इज वेरी वार्म, मीन्स वो सुहाना है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. एंड यू विल गेट माई लेटर बाय द 17th, रिप्लाई और बेटर बी विथ मी. ओके, आपको मेरा पत्र मिल जाएगी 17 तक. आपको मेरा पत्र 17 तक मिल जाएगा. ओके, एंड उत्तर दे मीन्स रिप्लाई दे, या बेहतर
और बेटर मीन्स या बेहतर मेरे साथ रहो योर्स फ्लाई आपका तुम्हारी फ्लाई अंडरस्टैंड चिल्ड्रन ये है हिंदी मीनिंग सो चिल्ड्रन इस पोएम में आप क्या समझे हैं फ्लाई है ना अपना बी फ्रेंड को बहुत प्यार से लेटर लिख रहा है ओके अपना बी फ्रेंड को जल्दी आने के लिए बोल रहा है यहाँ फ्रॉग्स बर्ड्स सब घर वापस आ चुके हैं एंड सब अपना वर्क में सेटल है एंड क्लोवर है ना बहुत थिक हो चुकी है एंड मौसम बहुत सुहाना है सो तुम आ जाओगे तो हम सब अच्छा से मिलकर खेलेंगे मस्ती करेंगे इस तरह फ्लाई है ना अपने मन में अपने बी फ्रेंड के बारे में सोचते हुए लेटर लिख रहे हैं अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम चिल्ड्रन रीड दिस पोएम अगेन एंड बाय हार्ट इट ओके चिल्ड्रन